नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 0111-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल DNA में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको मार्च के महीने में ऑलरेडी अपडेट कर दिया था कि इस कोरोना के चलते अप्रैल के महीने में कार सेल्स के फिगर काफ़ी खौफनाक आने वाले हैं, और हुआ भी ऐसे ही है। कोरोना सबको खा गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्च के महीने में जो गाड़ियां टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में शामिल रही हैं उनका अप्रैल के महीने में क्या हाल हुआ है। आज की डेट में इंडिया में कोई भी ऐसी कार कंपनी नहीं है जिसकी अप्रैल की सेल्स कोरोना की चपेट में ना आई हो। सभी कंपनियों की डोमेस्टिक सेल्स के साथ साथ एक्सपोर्ट पर भी इस महामारी का काफ़ी भारी असर पड़ा है। मानो दीमक की तरह ये सब कुछ चाट गई हो। तो चलिए जानते हैं अप्रैल के महीने में बिकने वाली टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स के बारे में आज के इस वीडियो में। इस लिस्ट में पूरे भारत में 10वें पायदान पर आई है दोस्तों मारुति सुजुकी की डिजायर। अप्रैल के महीने में इस गाड़ी की पूरे भारत में एक भी यूनिट नहीं बिकी है, जबकि मार्च के महीने में 5,476 यूनिट बेचकर यह गाड़ी 10वें पायदान पर थी। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,89,000 रुपये से शुरू होकर 8,80,000 रुपये तक मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 9वें पायदान पर आने वाली गाड़ी है दोस्तों मारुति की विटारा ब्रेजा। अप्रैल के महीने में इस गाड़ी की भी पूरे भारत में एक भी यूनिट नहीं बिकी हैं, जबकि मार्च के महीने में 5,513 यूनिट बेचकर ये गाड़ी 9वें पायदान पर थी। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 7,34,000 रुपये से शुरू होकर 11,40,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 8वें पायदान पर आने वाली गाड़ी है मारुति की इको। अप्रैल के महीने में इस गाड़ी की भी पूरे भारत में एक भी यूनिट नहीं बिकी है, जबकि मार्च के महीने में कुल मिलाकर 5,966 यूनिट बेचकर ये गाड़ी 8वें पायदान पर थी। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 3,91,000 रुपये से शुरू होकर 6,94,000 रुपये तक मिल जाती है। चलिए आगे मुड़ते हैं और बात कर लेते हैं इस लिस्ट में पूरे भारत में 7वें पायदान पर आने वाली गाड़ी है ह्यूंडई की वेन्यू। अप्रैल के महीने में वेन्यू की भी पूरे भारत में 0 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि मार्च के महीने में पूरे भारत में 6,127 यूनिट बेचकर यह गाड़ी 7वें पायदान पर थी। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 6,70,000 रुपये से शुरू होकर 11,40,000 रुपये तक की मिल जाती है। साहिबान इस लिस्ट में पूरे भारत में 6ठे पायदान पर आई है ह्यूंडई की क्रेटा। अप्रैल के महीने में क्रेटा की भी एक भी यूनिट नहीं बिकी है, जबकि मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी कुल मिलाकर 6,706 यूनिट्स बिकी थी। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 9,99,000 रुपये से शुरू होकर 17,20,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 5वें पायदान पर आने वाली गाड़ी है दोस्तों किया की सेल्टॉस। अप्रैल के महीने में किया एक भी सेल्टॉस को नहीं बेच पाई है। मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी 7,466 यूनिट बेचकर यह गाड़ी 5वें पायदान पर मौजूद थी। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 9,89,000 रुपये से शुरू होकर 16,29,000 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में 4थे पायदान पर आने वाली गाड़ी है दोस्तों मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। अप्रैल के महीने में
पहली बार ऐसे हुआ है कि मारुति की एक भी गाड़ी नहीं बिकी है। मारुति स्विफ्ट का एक भी यूनिट पूरे महीने में नहीं बिका है, जबकि मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी 8,575 यूनिट्स बिकी थी। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,19,000 रुपये से शुरू होकर 8,02,000 रुपये तक मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में तीसरे पायदान पर आने वाली गाड़ी है दोस्तों मारुति की वैगन आर। अप्रैल के महीने में वैगन आर की भी पूरे भारत में एक भी यूनिट नहीं बिकी है, जबकि मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी 9,151 यूनिट बिकी थी। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 4,51,000 रुपये से शुरू होकर 6,00,000 रुपये तक मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में दूसरे पायदान पर आने वाली गाड़ी है मारुति की ऑल्टो। अप्रैल के महीने में पूरे भारत में ऑल्टो की 0 यूनिट्स बिकी हैं, जबकि मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी कुल मिलाकर 10,829 यूनिट्स बिकी थीं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 3,00,000 रुपये से शुरू होकर 4,42,000 रुपये तक मिल जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट में पूरे भारत में नंबर वन के पायदान पर आने वाली गाड़ी है मारुति की बलेनो। अनफॉर्चुनेटली बलेनो की भी अप्रैल के महीने में एक भी यूनिट पूरे भारत में नहीं बिकी है। मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी कुल मिलाकर 11,406 यूनिट्स बिकी थी। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,71,000 रुपये से शुरू होकर 9,03,000 रुपये तक की मिल जाती है। दोस्तों जैसे कि अभी आपने पूरी वीडियो में देखा कि किसी भी गाड़ी की, किसी भी कार कंपनी के किसी भी गाड़ी की एक भी यूनिट अप्रैल के महीने में नहीं बिकी है, इसीलिए किसी भी गाड़ी के नंबर पर, टॉप 10 लिस्ट के नंबर पर किसी भी पायदान पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। हर कोई गाड़ी अपने अपने नंबर पर बनी हुई है। तो कुल मिलाकर ये थी वो 10 गाड़ियाँ जो अप्रैल के महीने में टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में शामिल हुई हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।